नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना की जांच अब फतेहाबाद में तुरंत हो पाएगी। इसके लिए 600 रैपिड टेस्ट किट मंगवा ली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज लघु सचिवालय में 76 लोगों की जांच की गई, जिसमें लघु सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल थे। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर नेहा ने बताया है कि स्वास्थ्य निदेशालय ने उन्हें ये रैपिड किट भेजी है, जिसका इस्तेमाल कोरोना संदिग्ध जांच में यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यह संक्रमित है या नहीं। उन्होंने बताया कि इस किट का प्रयोग मुख्य रूप से कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य वर्कर्स, पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मियों तथा साथ साथ में फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने 600 किटें उपलब्ध करवाई हैं और अब तक जो भी जांच की गई है वो नेगेटिव आई है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमारे पास 600 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फतेहाबाद के लिए पूरी 600 किट्स आई हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स। उसमें से अब तक हम 144 लगा चुके हैं, ठीक है। और ये हमें सब पर नहीं लगानी, इसके लिए गाइडलाइन है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो फील्ड में हैं, उनके लिए, और उसके अलावा जो पुलिस वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए। इसके अलावा बाकी किट्स यूज़ होंगी जो कंटेनमेंट जोन से, यानी कि जो हॉटस्पॉट से, जैसे हमारे आसपास रतिया से हैं, जो उनके कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, तो कंटेनमेंट जोन के लिए किट्स लगेंगी। कंटेनमेंट जोन से कोई भी है, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल है, चाहे वो ड्राइवर है, उन लोगों की लगेगी। क्या इस रैपिड टेस्ट के अंदर कोई पॉजिटिव आया है? अभी तक 144 केस करे हैं जो 144, उसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। ये जब सिम्टम्स आते हैं उसके 7 दिन के बाद ये टेस्ट करना ज़रूरी है। संदेश यही है कि लॉकडाउन चाहे थोड़ा बहुत खुला है, लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो ही इसका एक ही यही एकमात्र सोल्यूशन है।